आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में आपका स्वागत है। सुबह के 7:05 हुए हैं। स्वास्थ्य संजीवनी के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम में आज का विषय है अनिद्रा कारण और समाधान। स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर रीना अरोड़ा और डॉक्टर कामाक्षी सरस्वती। अनिद्रा कारण और समाधान, इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 1800113663। यह नंबर टोल फ्री है। आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के हमें सीधे फोन कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं डॉक्टर अनीता भार्गव। श्रोताओं, स्वास्थ्य संजीवनी का आपको नमस्कार। आज हम अनिद्रा पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद नहीं आती और नींद ना आना जागना नहीं होता, ये कष्टदायक होता है। इसके लिए आयुर्वेद द्वारा निदान व उपचार के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अरोड़ा व डॉक्टर कामाक्षी। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर कामाक्षी, सबसे पहले तो ये बताएं कि अनिद्रा होता क्या है? अनिद्रा, जैसे कि निद्रा के आगे हमने जो सफिक्स लगा दिया अ, वही समझा रहा है कि निद्रा की कमी। अब निद्रा क्या है? अगर मैं आयुर्वेद के अनुसार बोलूँ तो निद्रा, आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा, ये तीनों जो है किसी भी मनुष्य के जीवन के लिए या उसके शरीर के लिए त्रय उपस्थम है। त्रय उपस्थम का मतलब तीन पिलर्स हैं जिनका होना एक अच्छे शरीर और मन के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब ये निद्रा में कमी आने लगे, मतलब आप सो रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप ठीक प्रकार से नहीं सो पा रहे हैं, आपको नींद तो आ रही है लेकिन आपके दिमागों में विचार चल रहे हैं, आपको अजीब प्रकार के सपने देख रहे हैं आप, जिससे आपको अलग सी बेचैनी, गुस्सा, घबराहट, मतलब आपका सोने के बाद भी आपको ना स्वस्थ महसूस नहीं होना, क्योंकि निद्रा के हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें अपनी बॉडी को रिस्टोर करना होता है। कई ऐसे मॉलिकुलर चेंजेस दिन भर में आते हैं जो कि निद्रा के बाद हमारी बॉडी उनको कवर अप कर पाती, तो ये मॉलिकुलर लेवल पे चेंजेस होते हैं। लेकिन जब ये पूरे नहीं हो पाते हैं तो हम लोग अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करते। सुबह उठकर भी हम लोग ऐसा लगता है जैसे ड्राउजी सा है, हमें नींद पूरी नहीं हुई, काम में मन नहीं लगना, बेचैनी होना, गुस्सा आना छोटी छोटी बात पे। और देखा गया है कि आजकल जो मैक्सिमम एक्सीडेंट के केसेस हैं वो भी अनिद्रा की वजह से हो रहे हैं, लोग ठीक प्रकार से सो नहीं पा रहे हैं। तो ये जो ना सो पाने की स्थिति है ना, यही अनिद्रा है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब इतने विस्तार से इस जानकारी को देने के लिए। डॉक्टर अरोड़ा, मैं ये जानना चाहूंगी कि अधिकांश ने सुना जाता है कि निद्रा की बीमारी जो है, अनिद्रा की बीमारी, ये बुजुर्गों में होती है। जी, क्या इसका उम्र से कुछ लेना देना है या ये बच्चों में भी देखी जा सकती है? बढ़ती उम्र इसका एक कारण है, लेकिन आजकल ये काफी हद तक युवाओं में भी देखी जा रही है। उसका कारण है कि उनका जो गलत दिनचर्या है वो एक कारण है। बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी की अपसेट हो जाती है, सोने का टाइम एक फिक्स नहीं है, बच्चे बहुत देर देर तक फोन पर लगे रहते हैं और सुबह लेट उठते हैं या दिन में सोए रहते हैं, तो ये भी एक कारण युवाओं में अनिद्रा का हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने एक कार्यक्रम शुरू होने से पहले मुझसे कहा था कि दिनचर्या पे हम चर्चा जरूर करें, क्योंकि अनिद्रा एक ऐसी चीज है जिसका बहुत बड़ा भाग दिनचर्या से जुड़ा होता है। तो हमको दिन में क्या करना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, क्या दोपहर में सोना चाहिए, मैं अपना प्रश्न रोकती हूँ क्योंकि हमारे श्रोता फोन पर अपना प्रश्न लेकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, नाम जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारी मिसेज है करीब 40-47 वर्ष की जी, और करीब 3 हफ्ते से उन्हें ना रात में नींद आ रही है ना दिन में नींद आ रही है। जैसे बीपी के वो पेशेंट हैं, बीपी उनका हाई होता है जी, बीपी वगैरह सब ठीक है लेकिन नींद रात को आती है ना दिन को आती है। अच्छा जी। हाँ डॉक्टर कामाक्षी, 47 ईयर्स ब्लड प्रेशर है और 3 हफ्ते से करीब नींद नहीं आ रही, बीपी ठीक है, बीपी कंट्रोल है। ये जो प्रश्न है इनका, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैंने इसीलिए आपसे बोला कि इसका आंसर मैं देना चाहूंगी। एक्चुअली जो इन्होंने उम्र बताई है पेशेंट की वो 47 ईयर्स है, वो फीमेल है। अनिद्रा का ना एक कारण और भी है जो कि फीमेल्स में मिलता है, उसका कारण है पोस्ट मेनोपॉजल
सिंड्रोम या सिम्टम्स, तो उसमें भी लैक ऑफ स्लीप हो जाता है, निद्रा पूरी तरीके से नहीं आती है, पेशेंट को रात को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और कई बार वो सो भी जाता है तो एक हार्मोन है गोनाड्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH की वजह से, जिसका पल्सेटाइल मोशन में रिलीज होना रात के 2 बजे के अराउंड ही होता है, तो उसकी वजह से भी रात को नींद टूट जाती है। तो कई बार क्या होता है कि फीमेल्स में इसको दूसरे तरीके से भी देखना पड़ता है, तो जो इनके जैसा इन्होंने बताया कि बीपी नॉर्मल है, बीपी ठीक है, लेकिन फिर भी उनको ये स्थिति है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये कब से है और वो पोस्ट मेनोपॉजल एज में है, मतलब 47 ईयर दिख रहा है, मतलब पेरी मेनोपॉजल में, मतलब मेनोपॉज उनको हो चुका है कि नहीं, तो वो सिम्टम्स जो है उनके उससे संबंधित भी हो सकते हैं। तो हम इसे ये नहीं कह सकते प्रॉपरली इंसोम्निया या अनिद्रा की ही पेशेंट है वो। अच्छा जी, तो यानी इनको आके दिखाना चाहिए क्योंकि इन्हें अपने किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से या अपने किसी भी डॉक्टर से बात करके डेफिनेटली इस पर आगे जी 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 चर्चा करनी चाहिए। जी धन्यवाद। और अब हम अपने अगले श्रोता का प्रश्न ले लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं जय किशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चैनल से बोल रहा हूँ और आप तीनों को प्रणाम करता हूँ। जी आपका स्वागत है। एक मैं सुझाव की बात करता हूँ, हमेशा प्राय कर रहा हूँ 6 जून से कि भाई प्रधानमंत्री जी का सपना सपना ही रह गया है, क्योंकि ये कार्यक्रम जो 102 नंबर पे जाता था पूरे हिंदुस्तान में जी, जी, तो बंद कर दिया गया। और रेगुलर कहता हूँ कि जो हमारे मंत्री हैं राजवर्धन सिंह राठौर, तब तक इस आवाज को बचाइए जिससे शुरू हो सके। बहनों को कार्यक्रम भी फोनिंग बंद कर दिया, गृह लक्ष्मी बंद कर दिया, संडे का कार्यक्रम बंद कर दिया, तो ये कार्यक्रम कैसे चलेगा? जी जी बिल्कुल। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जो अभी आपने ब्रह्मचर्य की बात करी, ब्रह्मचर्य से क्या तात्पर्य है, ये जरा खुल के बताएं जवान के लिए बुजुर्ग के लिए, क्या है, किस तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उससे निद्रा का क्या लेना देना है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो लोग जो बच्चे और बुजुर्ग जागने के लिए जो बच्चे नींद की दवाई दूसरी दवाइयां लेते हैं कि हम जागते रहें, और कुछ लोग जो हैं बुजुर्ग लोग हैं वो सोने के लिए नींद की गोली लेते हैं, तो वो कितनी घातक है जी। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है जी, जो नवजात बच्चे होते हैं 1 साल के 8 महीने के जी, वो दिन में तो खूब सोते हैं जी और रात भर वो जागते हैं, उनकी माँ और बाप दोनों परेशान रहते हैं, गोदी में अगर रखो तो सो जाते हैं और अगर उनको लिटा दो तो वो रोने लग जाते हैं, तो उसका क्या कारण है, मूल कारण है, उस समय में क्या करना चाहिए, और क्या नींद के लिए जैसे और लोग एलोपैथिक गोलियां खाते हैं, क्या आपके भी इसमें जो बुजुर्ग हैं 70 साल के 65 साल के, क्या आपकी भी आयुर्वेदिक में कोई ऐसी दवा है कि खाएं और वो आराम से सो जाएं, उसे साइड इफेक्ट ना हो? जी 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 बिल्कुल जी डॉक्टर अरोरा जी, ये हमारे श्रोता जो है नियमित रूप से प्रश्न पूछते हैं और इनके प्रश्न बहुत प्रासंगिक होते हैं जी। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य इसमें ये है कि अगर आपको नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी भी वायु प्रकोपित करती है, तो उसमें आप एक लिमिट रखिए और किसी न किसी रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए। और जो दूसरा आपने प्रश्न पूछा है कि युवा जो है वो जागने की दवाइयाँ लेते हैं और ओल्ड एज वाले वो सोने की दवाइयाँ लेते हैं, तो जो युवा पीढ़ी है उसको भी जागने के लिए दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, एक नॉर्मल दिनचर्या का पालन करना चाहिए जिससे उनको जितनी नींद 6 या 7 घंटे लेनी है वो लेनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली नींद प्रॉपर ना लेके कई बीमारियां और पैदा हो जाती हैं। और तीसरा जो प्रश्न आपने पूछा है, जो बच्चे हैं वो दिन में सोए रहते हैं और रात को जागते हैं, उसका भी कारण गलत दिनचर्या है। हमें बच्चों को भी 6 बजे सुबह उठाना चाहिए, उनको भी सुबह वही टॉयलेट का प्रेशर होता है, मदर्स 11-11 बजे तक बच्चों को वही टॉयलेट में पड़ा रहने देती हैं, सुसु पॉटी बीच में किया होता है लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करते कि नहीं नहीं इसको सोने दो, तो वो रात को कैसे सोएगा अगर आप उसको 11 बजे तक उठा ही नहीं रहे हो। तो बच्चे को सुबह आप 6 बजे उठाइए, उसको नहलाओ, उसको अपनी तरह प्रॉपर ब्रेकफास्ट कराओ, बचपन से ही आदत डालो। आजकल के जो बच्चों का रूटीन है वो हम लोग खुद खराब करते हैं, 10-10 बजे उनको उठा के और फिर हम कहते हैं लो ब्रेकफास्ट कर लो, बच्चा उठता नहीं है। तो जैसे ही नवजात शिशु को आप ये मत ट्रीट करो कि नहीं नहीं इसको सोने दो, जैसे भी है उसको सुबह उठाइए, अपने आप वो सोएगा दिन में, धीरे 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 उसका बॉडी का बायोलॉजिकल साइकिल सेट हो जाएगा कि उसने रात को सोना है। जब आप उसको दिन में इतना सोने ही नहीं दे रहे तो रात को अपने आप पूरी रात सोएगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जी जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हमारे अगले श्रोता का प्रश्न ले लेते हैं। हेलो नमस्कार जी, मैं रेवाड़ी से देवकी नंदन। हाँ देवकी नंदन जी कहिए। कुछ बीमारियों के कारण मरीजों को नींद नहीं आती, वो तड़पते रहते हैं बिस्तर पर,
जी, क्या उनके स्वास्थ्य पर के और भी दुष्प्रभाव पड़ता है? जी जी, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि रात को पूरी रात सोते हैं और दोपहर को भी चार चार पाँच पाँच घंटे घर पर सोते हैं, जी उनके स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है? जी जी, डॉक्टर कामाक्षी ये बताइए कि कम निद्रा और अधिक निद्रा दोनों का क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव है? कम निद्रा और अधिक निद्रा दोनों का ही स्वास्थ्य पर अपोजिट प्रभाव पड़ता है, मतलब दोनों का ही खराब प्रभाव पड़ता है। अगर कम निद्रा की वजह से आप अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज प्रॉपरली नहीं कर पाते, आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, आपका फोकस खराब हो जाता है, आपका जो ऑफिस का काम है या घर का कुछ भी है या कोई डिसीजन मेकिंग है या इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है, वहीं आपका अधिक निद्रा से भी होता है। कई बार क्या होता है, अधिक निद्रा को हम समझ नहीं पाते, कई बार ये हार्मोनल डिसबैलेंसेस की वजह से भी होता है। क्या होता है कि कई बार जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको आप देखेंगे कि वो बैठे बैठे ही सो जाते हैं, या हाइपोथायरॉइडिज्म से जो पीड़ित पेशेंट्स हैं वो भी क्या करेंगे कि आप जरा सा उनको बैठने के लिए बोलेंगे तो वो लेट ही जाएंगे, सो ही जाएंगे। तो अधिक निद्रा भी किसी बीमारी का कारण हो सकती है, तो हमें वो भी जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर साधारणतः कोई भी स्वस्थ मनुष्य है तो वो 7 से 8 घंटे ही नॉर्मल सोएगा, उससे ज्यादा नहीं सोएगा, लेकिन फिर भी अगर वो अधिक सो रहा है तो कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पीछे हो सकता है, जिसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से जानकारी लेनी चाहिए और इससे उसको आपको बात करनी चाहिए। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। अपना अगला प्रश्न लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं ठाकुर अब्दुल शिवारी शामली के गांव दखोड़ी से बोल रहा हूँ। ठाकुर साहब का स्वागत है, बताइए जी। अभी अभी चर्चा में बताया गया कि आदमी के जीवन के 3 स्तंभ है। हाँ जी, आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा। जी, तो हम जानना चाहते हैं कि इसका संबंध क्या आहार से जुड़ा हुआ है? जी जी, अगर है तो हम आहार में क्या क्या ले जी और क्या ना ले? जी, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हमें ज्यादा सोच विचार से, हमें ज्यादा चिंता करने से हमारी नींद घट गई, कम हो गई। जी, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास चिंता और सोच का भी बहुत अधिक काम रहता है। जी, उन लोगों को ऐसी समस्या नहीं होती। जी, तो इस पर हमारे विशेषज्ञ बताएं विस्तार से। हम अपने विशेषज्ञों का धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि ये जनता के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी लेकर आते हैं। जी, और हमारे प्रस्तुतकर्ता भी धन्यवाद के पात्र हैं। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरोरा जी। ये जो आहार के बारे में आपने पूछा है, आहार का बहुत बड़ा रोल है निद्रा आने में और निद्रा ना आने में। कुछ लोग केवल वातवर्धक आहार लेते हैं, यानी रुक्ष आहार लेते हैं, कोई घी या तेल नहीं लेते अपने खाने में डाइटिंग के पर्पज से, या और आजकल कुछ इस तरह की अवेयरनेस है कि आप फैट्स मत लीजिए, तो ये एक कारण है अनिद्रा ना आने का। या बिल्कुल आप अपनी डाइट्स में इन चीज़ों को निकाल रहे हैं, जैसे उड़द की दाल है, ये मेंशनड है हमारी बुक्स में कि ये नींद के लिए बहुत अच्छी है। दही ले सकते हैं आप दोपहर को, ये नींद के लिए बहुत अच्छी है। और ऐसे ही जो हैवी डाइट्स हैं वो बिल्कुल जो आजकल किचन में से निकलती जा रही हैं, जो पुरानी हमारी डाइट्स होती थी जैसे हलवा है, तो ये चीज़ें हमें बीच बीच में कभी कभी लेनी चाहिए। हाँ, उसके लिए आप नियमित व्यायाम कीजिए ताकि आपको वो डाइजेस्ट हो जाए, बट इनको अपने किचन में से निकालिए नहीं। और दूसरा जो आपने पूछा है कि कुछ लोगों का जैसे सोच विचार से नींद घट गई, या कुछ लोगों का जो सोच विचार से नींद, जरूरी नहीं है कि सोच विचार से नींद घटती है, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है कि बिना किसी बात के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं हर एक चीज़ का, उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ सकता है। अदरवाइज एक नॉर्मल रूटीन के लिए थोड़ी बहुत प्लानिंग तो सबको करनी पड़ती है, तो उससे नींद पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप जरूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो आप इस चीज़ से अफेक्टेड हो सकते हैं। और एक और चीज़ डाइट में मैं बताना चाहूँगी आपको कि आप रात को दूध जरूर लीजिए अगर आपको नींद नहीं आती है तो, और पैरों की तलियों के नीचे अगर तेल की मसाज करेंगे तो उससे भी आपको अच्छी नींद आएगी। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने ये बताया कि कुछ लोगों को ज़्यादा सोच विचार करने की आदत होती है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उनको अपना जो है ना, खुद को खुद समझाना है कि पहले अपने आप को एनालाइज कीजिए। आप अगर मैं इस चीज़ में सोच रहा हूँ तो इसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? अगर आप उससे कोई इफेक्टेड ही नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों आप उस पर अपना दिमाग लगा रहे हो? तो जिस चीज़ पे आपको जितनी तवज्जो देनी चाहिए उसको खुद पहले डिसाइड कीजिए कि मैं इतना इसकी टेंशन ले क्यों रहा हूँ, मुझे कोई फर्क पड़ना है? जी जी जी, यानी
सही सोच के तरफ ध्यान जाना चाहिए। जब आप अगर आपकी आदत है थोड़ा सा निश्चिंतता की आदत डालिए कि नहीं छोड़ो इसको, साथ ही थोड़ा योग मेडिटेशन अगर इसका भी सहायता ली जाए तो वो भी कहीं ना कहीं से हाँ जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हमारे श्रोता फोन पर इंतजार कर रहे हैं। हेलो नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, हरियाणा से बोल रहे हैं जयप्रकाश। हाँ जयप्रकाश जी कहिए जी। नींद बहुत कम आती है रात को, वैसे मैं ब्लाइंड हूँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। आपको दो घंटे तीन घंटे नींद आती जी, क्या करें, कोई किसी चीज की टेंशन चिंता फिक्र कोई चीज नहीं जी। अच्छा जी। 65 साल की उम्र है जी। डॉक्टर कामाक्षी इनकी जिसको कहना चाहिए कि बिल्कुल वो वाली स्थिति है कि 2-3 घंटे ही नींद आती है। हाँ ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिर्फ 2-3 घंटे नींद आती है और इनकी एज है 65 इयर्स। एक्चुअली कहीं पर भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पूरा 6 घंटे 55 मिनट ही सोना है या 7 घंटे इतने सेकेंड ही सोना है। अगर आप इतनी नींद लेने के बाद भी आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, आप डेली रूटीन का काम कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप इंसोम्निया या अनिद्रा के पेशेंट हो गए, रोगी हो गए। अगर इससे भी आपकी दिनचर्या ठीक चलती है, आप तरोताजा महसूस करते हैं, क्योंकि बॉडी पर डिपेंड करता है। ऐसा कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ आप इतने घंटे में ही सो रहे हैं और आप अपना काम प्रॉपरली कर पा रहे हैं तो आप एक पेशेंट हैं, आप एक रोगी हैं। ऐसा कहीं पर भी किसी भी टेक्स्ट में नहीं लिखा। लेकिन हाँ, अगर आपको महसूस हो रहा है कि ये 2-3 घंटे की नींद आपको रिस्टोर नहीं कर पा रही है, तो आप कुछ है आयुर्वेदिक औषधियाँ जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो सरस्वती ऋष, अश्वगंधा ऋष, अर्जुना ऋष, इनको 10-10 ml इक्वली अमाउंट पानी में मिला के आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं। जैसे कि मैम ने अभी बोला कि पैरों की तलियों में तेल लगाने से, स्पेशली जटामासी का तेल, इसका एक रिलीजियस मेंशन भी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट शिरोधारा जो कि एक आयुर्वेदिक पंचकर्मा प्रोसीजर है जिसमें आपके सर पर तेल की एक धारा गिराई जाती है जो कि 10-15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक भी हो सकती है, तो उन सब का भी बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। फिर आहार के बारे में भी इतने बड़ा डिस्कशन किया गया। 9 बजे सो जाए तो 12 बजे उगड़ जाए, 12 बजे बाद नींद आती है नहीं। फिर 12 बजे के बाद आपको नींद नहीं आती, आपको एक काम करना चाहिए। वैसे आप खाना कितना बजे खा लेते हैं रात का? 7 बजे खा लेते हैं। अच्छा देखिए, वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि 7 बजे खा लेते हैं, लेकिन हाँ 9 बजे आप सो रहे हैं और 12 बजे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको या तो पैटर्न थोड़ा डिले करना चाहिए या फिर हाँ आप किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए अपने आसपास में, या चाहे तो आयुर्वेद के किसी डॉक्टर में अगर हो। और जैसे डॉक्टर कामाक्षी ने कहा, शिरोधारा यानी पंचकर्म भी जहाँ पर हो वहाँ पर जाकर दिखा लें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, और धन्यवाद हमारे श्रोता का भी। हम अपने अगले प्रश्न के पास चलते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्कार मैडम, मैं लाल बहादुर यादव बोल रहा हूँ। हाँ जी बुराड़ी से। हाँ यादव जी कहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मेरी एज 43 हो गई है। हाँ जी। तो मैम इसमें कम से कम कितने घंटे नींद आना जरूरी होता है? जैसे 6 घंटे आते हैं, उनको शुगर भी है, बीपी तो पहले था लेकिन बीपी की दवाई मैंने बंद कर रखी है, शुगर अभी भी है मेरे को। अच्छा अच्छा। और मैम थोड़ा मेरा गला वगैरह काफी दिन से खराब चल रहा है, खांसी वगैरह है, तो उसके लिए क्या उपचार करना चाहिए, आयुर्वेद में क्या उपचार है? जी 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 बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका किन किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि मतलब ये सब इससे दिक्कत पैदा, नींद की समस्या ना आए इनसे। जी जी। छोटे बच्चों को कितनी नींद आनी चाहिए? पहले इन्होंने अपनी नींद के लिए पूछा है। ऐसा है, आपको कितने घंटे नींद आती है? 6-7 घंटे बता रहे हैं। मैं 6 घंटे लगा। तो ये ठीक है, आप इससे फ्रेश उठते हैं ना सुबह? मैं वही 6 बजे तक नींद खुल जाती है, 6:30। नहीं, जब आप उठते हैं तो आपको फ्रेश लगता है ना? बिल्कुल। हाँ मैं, मेरे को फ्रेश लगता है। बस ये नींद बिल्कुल आपकी परफेक्ट है। ठीक है। रात को उनको देर से नींद आती, 12 बजे तक आती है। सुबह 6 बजे उठते हैं हम, तो 6 घंटे की नींद है। ठीक है, आप सोइए थोड़ा जल्दी, दूध पी के सो रात को। जैसे आपने बताया आपका गला खराब है, तो आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं कुछ दिन, जब तक आपका गला खराब है उससे आपका थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। या अदरक का रस आप शहद में ले सकते हैं, तुलसी वाली चाय ले सकते हैं। शुगर है तो आप फिर उसका अदरक वैसे ही लीजिए, आप पानी के साथ लीजिए फिर। ठीक है। और जो बच्चों का आप कह रहे हो कि उनको नींद का, वो मैंने जैसे पहले भी बताया है कि उनकी भी दिनचर्या होनी चाहिए। ये नहीं कि छोटा बच्चा है तो उसको आप 10-10 बजे तक सुलाओ, उसको 6 बजे उठाओ सुबह, और उसके बाद प्रॉपर जैसे आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं उसको भी जाना होता है, वैसे ही उसको नहलाओ, उसको फिर प्रॉपर ब्रेकफास्ट करवाओ, और वो पूरा उसका दिनचर्या मेंटेन होनी चाहिए, तो फिर उसको अनिद्रा की प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्हीं बच्चे को भी अपनी ही तरह ट्रीट करिए कि वहाँ जैसे
हम उठ रहे हैं तो बच्चे को भी उठा दिया जाए, बच्चा अगर अपने आप नहीं उठ रहा है। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम अपना अगला प्रश्न ले लेते हैं जो कि फोन पर इंतजार कर रहा है। हेलो 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 हेलो, हमारे श्रोता से संपर्क है, जब तक होता है तब तक मैं अपना प्रश्न ले लेती हूँ। हेलो, हाँ मैडम नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे को रात को ना नींद नहीं आती, 11-12 बज जाते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुमन है। अच्छा, उम्र कितनी है? उम्र मेरी 37 साल है। कितनी? 37। 37 साल है आपको, रात में नींद नहीं आती है? हाँ जी। ये और जी सीटी स्कैन करवाया था 2 साल से, मेरे सिर के आधे हिस्से में सीटी से दर्द रहता है, तो सीटी स्कैन करवाया था, उसमें भी कोई बीमारी नहीं आई, ये बोले थे टेंशन से होता है। डॉक्टर कामाक्षी, हमारी ये श्रोता ऐसी हैं जिनको कि आपके पास आने की मुझे लगता है कि जरूरत है। बताइए कि आने से पहले वो क्या कर सकती है? हाँ, बहुत अच्छी बात है, मैंने पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट किया हुआ है और उन्होंने भी इनको बता दिया कि टेंशन की वजह से, सबसे बड़ी बात है आप उस टेंशन को दूर करिए। किस वजह से आपको ये, देखिए अनिद्रा का कभी भी इलाज होगा तो पहले उसके रूट कॉज को ही देखा जाएगा, उसके कारण को ही देखा जाएगा। अगर आपकी दिनचर्या में प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करेगा डॉक्टर। अगर आपको मानसिक तौर पर कुछ परेशानी चल रही है तो वो खैर डील तो आपको ही करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ डॉक्टर उसमें थोड़ी बहुत आपकी सहायता कर सकता है। सबसे पहले तो आप जो अपनी टेंशन का कारण है उसको आप दूर करिए। दूसरा, हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी, हाँ मैम नमस्कार। अरे ये तो दूसरे श्रोता हमारे फोन पर आ गई हैं। आप थोड़ी देर हमारी डॉक्टर कामाक्षी के उत्तर सुन लीजिए, उसके बाद आपका प्रश्न ले लेंगे। हाँ, तो ये कि पहले आप अपने टेंशन का जो कारण है उसको दूर कीजिए और साथ में आहार में थोड़े चेंजेस लाइए, थोड़ा सा एक स्लीप हाइजीन कहते हैं उसको मेंटेन करने की कोशिश की। स्लीप हाइजीन का मतलब होता है कि नियमित समय पर रोज सोना और उठना। कई बार क्या होता है कि हम लोग नींद आ रही होती है किसी वजह से अपनी नींद खराब करते हैं, जैसे कि टीवी में कोई अच्छी मूवी आ रही है तो हमारा टाइम है 9 बजे सोने का और हमने उसको 12 बजे पहुंचा दिया। ये आपने हफ्ते में अगर 2-3 बार भी कर लिया तो आप भूल जाइए कि अगले हफ्ते से आपको नींद प्रॉपर वे में आने लगेगी, क्योंकि हमने नींद की कभी वैल्यू करी नहीं। हमें लगता है कि ये तो नेचुरल प्रोसीजर है, रोज होना ही है, जैसे भूख है हाँ लगेगी, खाना खाना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। निद्रा एक ऐसी चीज है, अगर हमने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन हमें उस तरीके से हैंडल करना बंद कर देगा। कई बार क्या होता है कि एक बहुत कॉमन सा चीज है आजकल जो फोन का यूज, व्हाट्सएप और ये सब, तो ये हमारे ना जब हमें रात को नींद आने लगती है तो उससे पहले एक मेलाटोनिन नाम का एक पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जिससे हमें महसूस होता है कि अब हमें नींद आनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो मोबाइल की फ्लैश लाइट्स हैं इनकी वजह से ऐसा लगता है कि अभी भी दिन है, तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कई बार, तो जो नींद आने वाली होती है वो भी हमारी दूर हो जाती है। थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हैं वो, और जो भी आपका मानसिक तनाव कारण है उसके जड़ तक पहुंचकर उसको दूर कीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप आयुर्वेद में बहुत अच्छे से इलाज होता है इसका, आप आ सकते हैं, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने शिरोधारा बताया और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनकी हेल्प से हम मदद कर सकते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब हम अपने अगले श्रोता का प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, मैं जगबीर बास गांव जिला हरियाणा से बोल रहा हूँ। हाँ जगबीर जी कहिए। जी बात है सर, मुझे तो अच्छी नींद आती है और टाइम पर उठता हूँ, टाइम पर सोता हूँ। जी बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, सुना है और पढ़ा भी है जी, जैसे जैसे फूलों वाले पौधे होते हैं, गेंदा है और ये अश्वगंधा है और जो गुलाब है, इस तरह के पौधे होते हैं, उनसे उनके लगाने से घर में वातावरण भी शुद्ध रहता है जी और नींद भी अच्छी आती है जी। क्या ये बात कहाँ तक ठीक है जी? हाँ डॉक्टर अरोड़ा, क्या सुगंध वाले फूल घर के आसपास लगाने से नींद अच्छी आती है? जी सुगंध वाले फूल लगाने से एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बना रहता है, कुछ हद तक ये आपकी नींद को अफेक्ट कर सकता है कि आपको एक अच्छा सा ऑरा मिलता है तो आपको नींद अच्छी आएगी। वैसे भी जिस रूम में हम सोते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा और ऐसा लिखा हुआ है कि सुगंधदायक होना चाहिए वो, और ये नेचुरल फूलों की अगर सुगंध तो और भी अच्छा है, तो ये हेल्प कर सकते हैं कुछ हद तक नींद लाने में। जी जी धन्यवाद। अब हम अपना अगला प्रश्न ले लेते हैं। हेलो, आज मैं शेखी सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी बेसिंग जी के। हाँ जी,
एक्चुअल में जो है मेरे पैरों में दर्द होता है जिसकी वजह से नींद कभी कभी टूट जाती है। अच्छा जी। कभी जो है ना 3 घंटे सो पाता हूँ, कभी 4 घंटे सो पाता हूँ, वैसे नींद तो आती है जी, दर्द की वजह से कभी कभी जो है ना नींद टूट जाती है जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ डॉक्टर कामाक्षी, हमारे ये श्रोता जो है, आपकी उम्र कितनी है? 67। हाँ, कहाँ पे रहता है दर्द? कहाँ पे होता है दर्द? पैरों में रहता है। पैरों में कहाँ? पिंडलियों में कि घुटनों में? किस जगह पे? शायद फोन कट गया। हेलो। हाँ, दर्द पैरों में कहाँ पे होता है? घुटने में होता है? नहीं, घुटने में नहीं होता, जो पिंडली होती है ना, पिंडली में, पंजों तक होता है। इसके अलावा कोई और बीमारी आपको? रेगुलर नहीं होता, ये जो है ना 2-3 घंटे होता है, कभी दिन में हो जाता है, कभी शाम को 8 से 10-11 बजे तक हो जाता है। आपकी उम्र कितनी होगी? 67। डायबिटीज या बीपी? बीपी शुगर नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है। अनिद्रा का एक कारण शारीरिक परेशानी भी है, तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो इसका कारण ऑब्वियस है, कहीं ना कहीं आपको शरीर में दर्द है जिसकी वजह से आप ठीक प्रकार से नहीं सो पा रहे हैं। तो पिंडलियों में दर्द की वजह बहुत से हो सकते हैं, कई बार कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी ऐसा होता है। आपसे एक, वैसे तो आप अपने डॉक्टर से बात करके पूछिएगा, लेकिन एक ये है कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म की अपनी जाँच कराइएगा, और मोर ओवर अगर आप रात को अपनी पिंडलियों में कोई तेल लगा के, जैसे कि महानारायण तेल या इस प्रकार का कोई तेल लगा कर सोएं तो भी आपको आराम मिलेगा। और फिर भी अगर आपको इससे प्रॉब्लम से नहीं निजात मिलता है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। हाँ, इनकी समस्या का समाधान हो सकता है, बस एक बार आके दिखा लें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब हम अपने अगले श्रोता का प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी, मैं संजीव बोल रहा हूँ शशि गार्डन से। हाँ संजीव जी कहिए। जी मैम, जैसे अभी मैम ने बताया कि कुछ जो लोग होते हैं उनको 6 घंटे नींद प्राप्त होती है, कुछ को 9-10 घंटे में नींद में ही अच्छा महसूस करते हैं। मैम ऐसा कोई उपाय है कि जो 9-10 घंटे सोते हैं वो अपनी नींद थोड़ा कम कर सके ताकि वो समय का सदुपयोग कर सके? हाँ। मैम दूसरा प्रश्न था मैम, जैसे आयुर्वेद ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ठीक रहता है, मैम ब्रह्म मुहूर्त से क्या तात्पर्य है? किस काल को, समय काल को ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से कितना पहले? इसका संदिग्ध मैम सोने के काल को हम क्या कहते हैं? तो सोने का संदिग्ध काल होता है, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा होता है? 10 बजे 11 बजे ऐसे उसमें बताएं मैम। मैम तीसरा प्रश्न है, जैसे कुछ लोग तो नाइट ड्यूटी में ही रहते हैं, उनकी तो नींद गड़बड़ा, जैसे रेलवे में या पुलिस में या सभी वगैरह जो रात रात का सम्मेलन करते हैं, तो उनकी नींद बुरी तरह गड़बड़ा जाती है मैम, तो वो अपनी नींद को किस तरह से ठीक कर सकते हैं? जी 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 मैम, एक और हेलो मैम। हाँ जी, हाँ हाँ सुन रहे हैं जी। मैम अंतिम प्रश्न था, जैसे स्वप्न जो होते हैं मैम वो हम देखते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि कुछ स्वप्न साकार हो जाते हैं, या इस तरह की कुछ बातें लोक जीवन में देखने को मिलती है, तो मैम इनका कितना संबंध होता है, और वो स्वप्न हमें आते कहाँ मैम? जब हम रात में सोने के जाते हैं तो उसके तुरंत बाद, या जब नींद के मध्य में होते हैं उठने से पहले, और इसका क्या संबंध होता है? मतलब कौन सा स्वप्न कब कहा जाता है? कहते हैं सुबह का स्वप्न साकार होता है, तो क्या ये कुछ लोक जीवन में ऐसी कहा जाता है, कल्पना है, या कुछ इसका? जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन्होंने कई सारे प्रश्न किए हैं जी। डॉक्टर अरोरा जी जी, आपने जो सबसे पहला प्रश्न किया है कि 9-10 घंटे जो लोग सोते हैं वो कैसे अपनी नींद को कम कर सकते हैं, एक तो अपनी लाइफ में आप एक्सरसाइज को इन्वॉल्व कीजिए, योगा वगैरह स्टार्ट कीजिए ताकि आपको इतनी नींद नहीं आए, अपनी डाइट को थोड़ा सा हल्का कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी डाइट्स लेने से भी नींद ज़्यादा आती है। दूसरा, आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अगर आपकी प्रकृति कफ प्रधान है तो भी आपको नींद ज़्यादा आती है, तो ये नेचुरल भी है आपकी बॉडी के लिए। अब ये मैं बिना देखे आपको नहीं बता पाऊंगी कि आपकी क्या प्रकृति है। तो ये 3 कारण है जो मैंने आपको बताए हैं, एक तो आप एक्सरसाइज इन्वॉल्व कीजिए, एक अपनी डाइट को लाइट कीजिए, और तीसरा अगर आपकी कफ प्रकृति है तो थोड़ी सी नींद आपको ज़्यादा आएगी। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में कितने बजे हमें उठना चाहिए? अब ब्रह्म मुहूर्त कहते किसको है जी? ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले उठने को कहते हैं, और जो सुबह जल पान भी कहते हैं करने के लिए, उषा पान उसी पीरियड में मेंशन किया हुआ है। तो आप सुबह 5 बजे उठें तो ये ब्रह्म मुहूर्त, या 4 बजे तो ये उस कैटेगरी में आएगा। और जो आप सोने का काल पूछ रहे हैं वो आप 10 से 11 बजे के बीच में सो जाएं तो वो एक नॉर्मल, आजकल की लाइफ के अकॉर्डिंगली एक नॉर्मल टाइम है। और जो नाइट ड्यूटी करने वाले लोग हैं, देखिए अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं, अगर किसी की जॉब ही नाइट की है तो मैं उसको क्या कहूँ, जॉब तो नहीं छोड़ेगा,
तो उसका वही सोल्यूशन है कि वो दिन में सोएगा, क्योंकि ऑफिस में तो नहीं सोएगा ना। और जो दूसरा स्वप्न का आपने क्वेश्चन पूछा है, स्वप्न साकार होना या ना होना, इस पर कोई रिसर्च नहीं है। और स्वप्न जो आते हैं अर्ली मॉर्निंग भी आते हैं और रात को सोने में भी, सोने के बाद भी आते हैं। और इनकी ऑथेंटिसिटी कि किसको स्वप्न आते हैं, कईयों को नींद डीप स्लीप नहीं आती है, उनको भी स्वप्न ज़्यादा आते हैं, और कईयों को बिल्कुल स्वप्न नहीं आते हैं। तो इसका कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं है कि साकार होंगे या नहीं होंगे। जी जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब विस्तार से इन हमारे इन श्रोता के प्रश्नों का जवाब देने के लिए। और अगले श्रोता का प्रश्न ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, राजेंद्र बोल रहा हूँ जी मैं। हाँ जी बोलिए। एसपी साहब का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, मैं ऐसे प्रोग्राम अच्छे ले गया है तो बहुत अच्छे अच्छे आगे से लेते रहे। जी बिल्कुल, उनको बोल दूंगी मैं। हाँ जी, और डॉक्टर साहब से ये पूछना था जी, ज्यादा ये मधुमेह और पैरों में दर्द की इनकी समस्या ज्यादा बढ़ सकती है क्या? जो कई बुजुर्ग होते हैं जैसे घर से टहलने से ना ज्यादा, ये जानना था जी। जी जी, ये जानना चाहते हैं कि मधुमेह अगर ज्यादा सोते हैं तो क्या मधुमेह यानी डायबिटीज और पैरों की समस्या ये बढ़ जाती है? शायद इनके घर में कोई बुजुर्ग होंगे जो कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते होंगे और उनको डायबिटीज होगी। हाँ, ये सही कहा कि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो डायबिटीज होने के चांसेस हैं। आप प्रोन हैं, आपका मतलब अगर आप ज्यादा सोते हैं, मतलब वही है कि एक छोटे से तरीके से आयुर्वेद ने समझा रखा है कि जो कुर्सी पे काम करने वाला काम करते हैं, मतलब बहुत ही मतलब सॉफ्ट काम करते हैं, सेडेंटरी लाइफ जीते हैं सिंपल वे में, तो उनको इस तरीके के मेटाबॉलिक डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाँ, तो योग करें। एक मैम ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि दिनचर्या बनी ही इसलिए कि हम अपने मैक्सिमम डिजीजेस को प्रिवेंट कर सके। दिनचर्या का मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपना कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, वो सिर्फ इसलिए कि ये जो बीमारियां हैं ये हैं, ये शरीर में आएंगी अगर हमने इन सब चीजों को नहीं ध्यान दिया तो ये हमारे शरीर पर अटैक करेंगी, लेकिन दिनचर्या से वो सिर्फ प्रिवेंट हो जाती है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो जरूर जो अपने आप को डायबिटीज और भी कई बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो वो कम से कम आधे से पौना घंटा एक दिन में वॉक जरूर करें। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे अगले श्रोता का प्रश्न। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, वेद भाटिया टोहाना से बोल रहे हैं जी। जी बोलिए। धनी जैसे बता रहे हैं जी, मेरी उम्र 60 साल है जी। जी, तो हमें सोते सोते 12 बज जाते हैं जी। जी, और सुबह 5 बजे के आसपास उठे जाते हैं जी। जी, तो क्या मेरी पर्याप्त नींद है जी, मुझे दिन में सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए जी? जी जी, हाँ थका रोड़ा जी। आप जब सुबह उठते हैं तो आपको बिल्कुल फ्रेश लगता है 5 बजे? हाँ जी, सुबह फ्रेश होते हैं जी, सैर करके आते हैं जी। बस ठीक है, ये आपके लिए पर्याप्त नींद है, पर आप कोशिश कीजिए कि आप रात को 11 बजे सो जाइए। तो 11 बजे मैडम, 10 बजे दुकान से जाते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा घूमना। हाँ हाँ ठीक है, ये ठीक है, आप फ्रेश उठते हैं तो काफी आपके लिए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर अरोड़ा ने, कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। वायु प्रकृति वालों को नींद लेनी ज्यादा चाहिए पर उनको आती कम है। कफ प्रकृति वालों को लेनी कम चाहिए लेकिन उनको आती ज्यादा है। जी, तो इसलिए हम एक जनरलाइज्ड वर्जन आयुर्वेद में नहीं बता सकते कि हर एक व्यक्ति 5 घंटे सो जाए ठीक है, नहीं, हर एक की बॉडी अलग है, प्रकृति अलग है, उसके अकॉर्डिंगली उसको नींद लेनी है। जी जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब हम अपने अगले श्रोता का प्रश्न सुन लें। हेलो, हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ शेख, आइए। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा स्वरूप सिंह, आपके गाँव दीपालपुर जिला सोनीपत हरियाणा से। अच्छा जी, मेरी उम्र 80 साल है साहब, मैं जम कई साल हो गए, मेरे को नींद बहुत कम आवा है, सपने है आए जाए, कभी कुछ कभी कुछ, क्या करूँ, और गोली भी खा लेगा जी मैं। अच्छा जी, 81-82 साल की उम्र है और उनको कई सालों से नींद नहीं आती, गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती। एक्चुअली बढ़ती उम्र में ये समस्या आम है कि नींद नहीं आती है या नींद कम आती है, तो कई बार ये कारण होता है कि टेंशन, बीपी, इस वजह से हो सकता है। लेकिन जहाँ इन्होंने मेंशन किया कि गोली खाते हैं उसके बावजूद भी नहीं आता, तो मैं कुछ चाहूँगी कि अगर ये आयुर्वेद में ट्राई करें, जैसे शिरोधारा है या फिर अश्वगंधा, इसका पाउडर अगर दूध के साथ रात को सोने से पहले लें तो थोड़ा फर्क पड़ेगा इनको। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब हम अपने अगले श्रोता का प्रश्न लें। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए। महेंद्र प्रताप अरोड़ा सुंदर नगरी दिल्ली चिरागढ़ से बोल रहा हूँ जी, बोलिए। मैं एक नेत्रहीन हूँ जी,
और मेरी उम्र 52 वर्ष है। अच्छा जी, मेरी समस्या ये है कि मेरे को कोई चिंता तो नहीं है किसी बात की। हाँ जी, लेकिन अगर मैं रात को 8:30-9 बजे भी सो जाऊँ तो 2-3 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा जी, और मेरे को उसके बाद नींद आसानी से नहीं आती है। जी जी जी, पहले तो इसका कोई इलाज बताइए। दूसरा ये है कि मुझे ये जानना है जी कि ईस्ट दिल्ली के अंदर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कहाँ कहाँ है, जिससे कि हम अपने डॉक्टर को दिखा सकें। जी जी जी, अरोड़ा जी, ये जो आपने बोला आप 8:30 बजे सो जाते हैं और आप 2 बजे उठते हैं, तो आपकी नींद का टाइम तो हो गया 6 घंटे। जी, तो वो पूरी हो गई, तो इसलिए आपको उसके बाद नींद नहीं भी आती तो ठीक है ये। तो अगर आप ज्यादा देर तक सोना चाहते हैं, सुबह 4 या 5 बजे तक, तो आप 9 या 9:30 तक सोइए, तो 1 घंटा और एक्सटेंड हो जाएगी। और जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा है, ईस्ट दिल्ली में आयुर्वेद का हॉस्पिटल, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, सारे जितने भी आयुष मिनिस्ट्री के हॉस्पिटल है उनकी पूरी डिटेल दी हुई है उस पर, तो उस पर आप डाल के एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। जी, मिल जाएंगे, कई सारे हैं। जी, और अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैं फैमिली से बोल रहा हूँ, सत्यवान। हाँ जी सत्यवान जी, कहिए। दरअसल मेरी एक समस्या है निंद्रा जी, मुझे जो है शुगर और बीपी तो है नहीं। अच्छा जी, लेकिन मतलब ये है रात को 3-4 बार जब पेशाब करने उठ जाऊँ तो आँख खुलती रहे 3-4 बार रात को। अच्छा जी, और उसके बाद में फिर मुझे नींद जो है कभी आ भी जाए, कभी नहीं भी आती। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 65 है जी। अच्छा जी, डॉक्टर कामाक्षी, इनकी रात में 2-3 बार उठना पड़ता है, पेशाब को उससे उठना पड़ेगा, अगर पेशाब से ना उठू शायद नींद बराबर चलती रहे। जी हाँ, तो इनके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे कि इन्होंने इनकी उम्र बताई है 65 वर्ष, और बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम। हाँ, तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी इस उम्र में ज्यादातर जो पुरुष वर्ग होता है उसमें एक प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। तो अगर ये जाके अपने डॉक्टर से सही तरीके से इसके बारे में और जानकारी लें और इस प्रॉब्लम को उसे डिस्कस करें, तो हो सकता है कि वो इसका इलाज कर सकें। और अगर यही वो कारण है, मतलब प्रोस्टेट की वजह से हो, तो वो फर्दर इसका आगे ट्रीटमेंट कर सकें। हाँ, तो फिर अगर प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट हो गया तो इनको रात में उठना नहीं पड़ेगा। हाँ, नहीं पड़ेगा, और इनकी नींद खराब नहीं होगी। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब हम अपने अगले श्रोता का प्रश्न ले लें। हेलो, नमस्कार जी, मैं दोबारा से देवकी नंदन। हाँ देवकी नंदन जी, कहिए। सर्वाइकल से परेशान हूँ और मैं थेरेपी पे जाता हूँ। अच्छा जी, थेरेपी पे जाने के पर मुझे मालूम हुआ कि बहुत से मेरे किस्म के मरीजों को रात को नींद नहीं आती दर्द के कारण, क्या करें? हाँ डॉक्टर अरोड़ा जी, आप दर्द के लिए तो एक बार आप शुगर बीपी वगैरह तो नहीं है आपको? संपर्क कट गया। नहीं है, बीपी शुगर नहीं है, हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं जी। तो अश्वगंधा ही सजेस्ट कर सकती हूँ मैं, बिना एग्जामिनेशन के ऐसे और कोई भी ड्रग बताना मुश्किल है। तो सर्वाइकल के लिए फिर ट्रीटमेंट लें किसी भी लोकल डॉक्टर से, वहाँ पे जाते हैं फिजियोथेरेपी। हाँ, थेरेपी के लिए नहीं, मेडिसिनल भी फिर लेना पड़ेगा अगर उससे फर्क नहीं पड़ रहा खाली। तो गिलोय और अश्वगंधा स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा, और उससे भी अगर पूरा सॉल्व नहीं होता तो फिर किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार, बहुत ही मेरा सौभाग्य है वैसे आज विलंब से लगा इस समय। मैं वैसे तो राजस्थान के अलवर जिले के उपखंड बैरोड से निवेदन कर रहा था पंडित अशोक गौरा। हाँ जी, और इसमें जो विशेषज्ञ बैठी हैं जैसे अरोड़ा जी और कामाख्या सरस्वती जी, तो एक तो ये मेरे को जो है इनका डॉक्टर साहब का नाम जो है ना कामाख्या सरस्वती, इस नाम से ही मैं इनको वंदन और प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा निवेदन था, आपने बहुत सारी जानकारी दे दी, अब एक मेरा आपसे आपके माध्यम से भारत सरकार और सभी को एक सुझाव है कि जैसे दिनचर्या कब के पॉइंट ऑफ व्यू से एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स को तो आप एट्थ तक के स्टैंडर्ड को तो मॉर्निंग आवर्स में स्कूल की वो रखी जाए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो। जैसे एक विनम्र प्रयास है। दूसरा मैंने एक अनुभव किया कि वैसे तो भाई आहार निद्रा भाई मैथुन चाहिए सत्य भी नर पशु भी समान है, ये तो निश्चित है। नींद के बारे में मैं भी सोच रहा था, तो नींद तो अलेक्जेंडर सिकंदर को भी नहीं आती थी, उसने भी एक बार कहते हैं रात को अनिद्रा के कारण अपने सेनापति को बुलाया था हेनरी को, और फिर हेनरी नहीं आया रात को, लेकिन उसने फिर जब सुबह आया
तो हेनरी के दोनों हाथ पकड़ के कहा, हेनरी तू यार तेरी मेरे को तेरी नींद दे दे। तो वैसे वस्तुतः इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि इन दोनों विशेषज्ञों ने जानकारी तो पूर्ण दी है, लेकिन इतनी जरूर बात है कि भाई जैसे अति निद्रा और अनिद्रा ये दोनों ही एपिडेमिक्स हैं। अब ये जैसे दिनचर्या बदलती है, 7 दिन मॉर्निंग में 7 दिन नाइट में, तो इससे भी एक स्थितियां बड़ी भयावह हो रही है। और पुणे में उसी अपने सुझाव को इनके श्री चरणों में निवेदन करूं कि जैसे दिनचर्या, क्योंकि 13-14 वर्ष तक का बालक हो जाता है तो उसकी दिनचर्या फिर बन जाएगी। जी जी जी, जी बन जाएगी। और पुणे आपको प्रणाम, और ये अवेयरनेस है ना विद्यालय स्तर से चलाएं, एनजीओ से चलाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी जी, हमारे पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इनका सुझाव जो है अब पहुंच गया है जहां तक पहुंचना चाहिए था। अब हम अपने अगले श्रोता का प्रश्न ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार, मैं अपने चंडीगढ़ से इंस्पेक्टर भारद्वाज बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी उम्र 62 है। अच्छा जी। मैं रात को 6-7 घंटे सो लेता हूँ जी। क्या दिन में सोना ठीक है कि नहीं? रात को सोने के बावजूद अगर दिन में रेस्ट किया जाए खाना खाने के बाद जी, वो कितना गलत है? अति जी। हाँ डॉक्टर अरोड़ा, ये जानना चाहते हैं कि दिन में सोए या नहीं सोए। जी आपने अपनी उम्र कितनी बताई है? 65। क्या करते हैं आप? मैं खाली हूँ जी, रिटायर्ड हो गया। ठीक है, तो सुबह सैर वगैरह करते हैं आप? आज ही सुबह 1 घंटा सैर करता हूँ, शाम को सैर करता हूँ 1 घंटा। ठीक है, आप जब दिन में नहीं भी सोते तो आपको कंफर्टेबल लगता है? नहीं नहीं, कंफर्टेबल तो लगता है, लेकिन खाली होते अखबार पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, सोना चाहिए नहीं। आप लंच के बाद सिर्फ 15 मिनट का नैप ले सकते हैं बाई करवट लेट के, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपकी उम्र 65 ईयर्स है और उससे अगर आपकी रात की नींद डिस्टर्ब होती है तो आप दिन में सोना बंद कर देना, अदरवाइज 15 मिनट दोपहर को आप खाने के बाद लेट सकते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, ओम प्रकाश चावला जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशेषज्ञों का, बहुत अच्छे विस्तार से बताया गया है। जी जी, तो इसमें मैं एक बात और भी शेयर करना चाहूंगा, जो ब्रह्मचर्य का इन्होंने बताया वो बहुत ही अच्छा ब्रह्मचर्य मित्र, और इसका तीनों का संबंध ठीक है, बिल्कुल सही बात है आदिवादी की। और ये प्रशंसा भी करना चाहूंगा कि एलोपैथी ने जब जैसे जैसे हर एक चीज का निष्कर्ष निकाला है, और जो शुद्ध था वो आयुर्वेदी को दे दिया, और जो अशुद्ध था उसके बारे में भी बता दिया, इसलिए कुछ जो अशुद्ध है उनको भी उस पर भी आयुर्वेदी को विचार करना चाहिए। अब मैं थोड़ा अपनी जिज्ञासा रख रहा हूँ, ऐसा देखा गया रिसर्च में ये कहती है कि अनिद्रा जो है ना एक आसान है इस पर विजय पाना, बहुत ही सरल सा काम है। यदि हम उपवास नाइट का उपवास रखते हैं तो बहुत ही सरल है, हमें एक बार रोज जरूर आएगा कि सारा परिवार जो है अच्छे अच्छे खाने खा रहा है नाइट को, लेकिन हम नहीं खाएंगे तो जो रात नींद आएगी वो ऐसी कोई और रात नींद नहीं आएगी। कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, धन्यवाद जी। हमारे दोनों विशेषज्ञों प्रश्न रिपीट कीजिए आप, प्रश्न इनका ही है ये कि रात अगर हम उपवास रखते हैं, रात को उपवास, हाँ मतलब रात का खाना नहीं, उपवास तो ही रहता है, नहीं नहीं रात का खाना नहीं खाते हैं, बाकी अच्छा। लोग तो अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, डिनर जिसको ओके हैवी डिनर का, और उसकी जगह अगर हम नहीं खाते हैं तो हमको अच्छी नहीं है जी। ऐसा ये भी मैं वही कहना चाहूंगी, एक जनरलाइज्ड वर्जन देना बड़ा डिफिकल्ट है इसके लिए। वायु प्रकृति वाला अगर खाना नहीं खाएगा उसको नींद आएगी ही नहीं, कफ प्रकृति वाला नहीं खाएगा तो फिर भी चल जाएगा। बॉडी टू बॉडी नीड्स वेरी करते हैं, अगर मजदूर है सारा दिन उसने काम किया और उसको खाना नहीं मिलेगा कैसे सोएगा वो, तो ये डिफरेंट करता है पर्सन टू पर्सन, उसको खाना चाहिए तो वो खाए नहीं तो नहीं। जी जी, और इसके अलावा एक चीज और आजकल क्या होता है कि बच्चे मतलब लाइक जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि खाना वो खा लेंगे अगर 9 बजे और वो जाग रहे हैं रात के 2 बजे तो फिर भूख लग जाएगी, क्योंकि वो जो पैटर्न है 2-3 घंटे बाद भूख का वो तो होगा ही होगा, तो फिर वो कुछ उल्टा सीधा खाएंगे और उसकी वजह से फिर और प्रॉब्लम जनरेट होती है, फिर भूख नहीं लगती, और ऐसे में वो चाय कॉफी ले लेंगे रात के 2 बजे पढ़ाई के साथ या जो कुछ भी उनका है, इवन जंक फूड भी, जंक फूड भी, तो उसकी वजह से कैफीन और इन सब की वजह से और नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये और पैटर्न खराब हो जाता है। नियमित समय पे खाएं और नियमित समय पे सोएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम अपने अगले श्रोता का प्रश्न लें। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, मैं मिसेस मधु माथुर बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मेरे 2 क्वेश्चन है बच्चों से रिलेटेड, जैसे 5-6 साल के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं जी, अब वो जैसे रात को सो जाते हैं जी, तो फिर वो बीच में उठते हैं जो कि बहुत मुश्किल होता है उनको सुलाना जी, तो वो उसके लिए क्या करना चाहिए? और जो छोटे जैसे हैं वो उनका भी शेड्यूल ऐसा ही रहता है कि वो बीच में बहुत उठते हैं, और जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में है, हमारी डॉटर बाहर रहती है तो वहाँ पर ये होता है कि बच्चे को अलग सुलाना चाहिए जी, तो वो बेड है ठीक या नहीं?
जी 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 डॉक्टर अरोड़ा जी, एक तो ये कि पाँच से छः साल के बच्चे जो बीच में उठते हैं, रात को बीच में उठते हैं पाँच साल के बच्चे, हाँ, और फिर उनको दो सुलाना मुश्किल हो जाता है जी। आप इनको दिन में कम सुलाइए, दिन में अगर आप बहुत ज़्यादा सुलाएंगे तो बच्चा रात को डीप स्लीप में नहीं सो पाएगा, जल्दी फ्रेश हो जाएगा, उठ जाएगा, लेकिन आप तो थके हुए हो, तो इसलिए दिन में, वही मैंने पहले भी इसीलिए बार बार दिनचर्या पे स्ट्रेस कर रही हूँ कि ये नहीं कि बच्चा है तो सोया रहे, दिन में तीन तीन घंटे अगर सुलाओगे तो रात को नेचुरल है वो जागेगा। और जो छोटे बच्चे कह रही हैं कि जब विदेशों में ये होता है कि उनको अलग सुलाया जाता है, वो भी रात में बहुत बार जागते हैं, तो क्या ये ठीक है बच्चे को अलग सुलाना? जी, छोटे बच्चे को अगर वो कंफर्टेबली अलग सो रहा है, आपका रूम एटलीस्ट उसके साथ ही होना चाहिए, तो अगर रात को उठेगा तो नेचुरली आपको उसको देखना तो चाहिए, और अगर वो कंफर्टेबली सो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, स्टार्टिंग से ही आप आदत डाल सकते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारा अगला प्रश्न फोन पर इंतजार करता हुआ, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ और मेरी एज 26 है जी। तो मैम मेरे पेट में नाभि के ऊपर टाइट रहता है और जो ग्लोबुलिन का लेवल है वो 3 से 4 के बीच में ही रहता है। अच्छा जी, और वो कभी नीचे नहीं आता है। अच्छा जी, फिटनेस रहती है मेरे को। देखिए ये आज का हमारा कार्यक्रम तो है नहीं, और इसके लिए आपको किसी आयुर्वेद आचार्य से बात करनी पड़ेगी। मैं क्षमा चाहती हूँ, हम अपने अगले श्रोता का प्रश्न ले लेते हैं। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए जी। नमस्कार। नमस्कार जी, मुझे सर से बात करनी है। डॉक्टर आपकी आवाज आ रही है, हमारे दोनों विशेषज्ञ इधर हैं, आप बताइए। ऑनलाइन में चले आ गया जी? ऑनलाइन पे आ गए आप। नमस्कार। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, हम ये खास करके ये जानना चाहते हैं जी, आज बरसात में मतलब बचाव मतलब किस तरह किया जाए मच्छरों से? अच्छा जी, ये डॉक्टर अरोड़ा प्रश्न अब ऐसा है कि समय समाप्त हो रहा है हमारा, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे इनको बता दें कि मच्छरों से बचाव कैसे किया जा सके। आप नीम का तेल लगा सकते हैं अपनी बॉडी पे, गूगल से धूपन कर सकते हैं, और बाकी अपने घर में हल्दी का जगह जगह स्प्रे कर सकते हैं, या उससे वो पोछे वाले पानी में भी उसको यूज कर सकते हैं। ये तो देखिए आयुर्वेद के पूरे पैके पूरे कपड़े पहने जी, और मॉस्किटो मैट लगाइए जी जी, और ये ध्यान रखिए कि बाहर कहीं पानी जमा ना हो छोटी जगह पे अगर हो तो। हमारा समय समाप्त हो रहा है इसलिए, अच्छा हमारे एक श्रोता का प्रश्न हम ले सकते हैं। हेलो, हाँ डॉक्टर अरोड़ा कुछ कहना चाहती है? मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगी अनिद्रा के लिए कि जिनको रूटीन में अनिद्रा की प्रॉब्लम है, 3-4 चीजें वो अपनी लाइफ में वो करें कि रात को दूध पिए और पैरों की तलियों के नीचे तेल लगा के सोए, और एक नस्य ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद में, सुबह नाक में 2-2 बूंदे तेल डाल सकते हैं, शिरोधारा करवा सकते हैं, सिर पे तेल लगा सकते हैं जिसको शिरो अभ्यंग कहते हैं, शिरो पिचू भी एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें कॉटन का स्वैब ऑयल में डिप करके सिर पे रखते हैं। आजकल के युवा लोग या कुछ लोग तेल बिल्कुल लगाना बंद कर चुके हैं सिर पे, वो भी एक कारण है अनिद्रा का। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, और उड़द की दाल खाइए और दही का सेवन कीजिए जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर कामाक्षी आप अनिद्रा के लिए क्या कहना चाहेंगी? अनिद्रा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्लीप हाइजीन मेंटेन करना, रोज नियमित समय पे सोएं, नियमित समय पे उठें, अपनी नींद को पहले ये देखें कि जिस वजह से आप अपनी नींद को डिस्टर्ब करें क्या वो बहुत ज़रूरी वजह है, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो उसको आप डिस्टर्ब नहीं करिए। किसी मूवी टेलीविजन को कोशिश कीजिए कि आप अपने बेडरूम से दूर रखिए, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले जी, क्योंकि आजकल का जो बेसिकली अनिद्रा का कारण है वो ये गैजेट्स वगैरह ही है, तो इनसे जितना दूर रहा जाए तो कुछ हद तक हम अपने पैटर्न को ठीक कर सकते हैं जी। जी श्रोता हूँ, डॉक्टर अरोड़ा और डॉक्टर कामाक्षी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं जानती हूँ अनिद्रा के रोगी इनकी बताई हुई बातों से लाभान्वित होंगे, हम भी इनके मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर अरोड़ा और डॉक्टर कामाक्षी का पुनः धन्यवाद करते हुए नमस्कार। धन्यवाद। अभी आप अनिद्रा कारण और समाधान इस विषय पर फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। आमंत्रित विशेषज्ञ थी वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर रीना अरोड़ा और डॉक्टर कामाक्षी सरस्वती। कार्यक्रम का